तो गाइस रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि क्यों मैंने जो है नथिंग फोन कैंसिल कर दिया जो मैंने ऑर्डर किया था, और उसमें मैंने जो भी जेन्युइन रीजन था वो आपको वहां पे शेयर किया था। कुछ लोगों ने एग्री किया, कुछ लोगों ने डिसएग्री किया, बट आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू। कोई दिक्कत नहीं भाई, सबका अपना अपना ओपिनियन होता, हर किसी का अपना रिक्वायरमेंट होता, उस हिसाब से लोग फोन खरीदते हैं और उसी हिसाब से खरीदना भी चाहिए। लेकिन उसमें जो है बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स थे जो कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई आपने जो ऑर्डर को कैंसिल किया है तो जो 2000 रुपए का पास आपने लिया था, यानी कि मोबाइल ऑर्डर करने के बाद आपका पास का पैसा रिफंड हुआ कि नहीं हुआ। अब एक चीज मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जब आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से बात करोगे, तो मैंने 2 या 3 कस्टमर केयर से बात किया और तीनों का अलग अलग ओपिनियन था। पहले कस्टमर केयर ने कहा कि आपका रिफंड नहीं होगा पैसा, आपका वाउचर वेस्ट हो गया। हाँ जी, आपको जो है 28,000 रुपए जो आपने पे किया वही मिलेगा। तो 2000 रुपया जो मेरा पास का था वो वेस्ट हो गया। वो तो क्षमा चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप अपने सीनियर से एक बार कंफर्म कर लीजिए या फिर फॉरवर्ड कर दीजिए कॉल। मैंने आपको कोई गलत जानकारी नहीं बताया सब। दूसरे कस्टमर केयर ने कहा कि आपका जो है वाउचर ही रिटर्न होगा, अब आप उस वाउचर को बाद में यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो हमने उनसे ये कहा कि भैया हमको तो मोबाइल लेना ही नहीं, तो वाउचर लेके फायदा क्या। तो वो कंफ्यूज थे, मतलब उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तीसरे कस्टमर केयर से बात किया मैंने, तो मैंने सारी चीजें उनको बता दिया और मैंने साफ साफ पूछा कि पैसे रिफंड होंगे कि नहीं होंगे, वो आप मुझे डायरेक्टली बता दिए या वेस्ट हो गया। तो उन्होंने डिटेल चेक किया तो उनका भी आंसर पहले यही था कि आपका रिफंड नहीं होगा। लेकिन जब मैंने उनको सारी डिटेल्स अच्छे तरीके से बताया कि ऐसे ऐसी चीजें मैंने देखी है कि फ्लिपकार्ट खुद ही बोल रहा है ट्विटर के पेज में कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो आप क्यों यहाँ पे मना कर रहे हो। तो उन्होंने बोला कि सर मैं फिर से चेकआउट करता हूँ। चेकआउट करने के बाद उन्होंने फिर से कहा कि हाँ सर यहाँ पे आपका दिखा रहा है कि आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। तो यस, बिल्कुल क्लियर है, आपको बिल्कुल क्लियर कर दी गई, आप बिल्कुल ऑर्डर को कैंसिल कर पाएंगे, अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा, जो भी अमाउंट आपने पे किया सारे अमाउंट आपको रिफंड हो जाएंगे। तो उस बेसिस पे मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद जो है 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जो है पैसा रिफंड आ गया। जो प्री बुक का पास मैंने लिया था उसका भी पैसा रिफंड आ गया और जो क्रेडिट कार्ड से मैंने पेमेंट किया था उसका भी पैसा रिफंड आ गया। तो कोई भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आपने फोन ले लिया है, अगर आप उसको रिफंड करना चाहते हो, तो आपका पास का भी पैसा आएगा, जो प्री बुक का पास आपने ऑर्डर किया था, और आपका फोन का भी पैसा आएगा। ऐसा नहीं कि आपका पास ऐसा डूब जाएगा। जहां तक जो मेरे साथ हुआ वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई पहले फोन को आप परचेस कीजिए, उसके बाद रिव्यू दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। तो गाइस मैं आप लोगों के बातों से 100% सहमत रखता हूं। मुझे कोई भी तरह का दिक्कत नहीं, हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होता है, हर किसी का अपना अपना थॉट्स होता है। चाहता तो मैं हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी मोबाइल की अनबॉक्सिंग आपको करके दिखा देता, उसके बाद रिव्यू करके दिखा देता और व्यूज छाप लेता, लेकिन नहीं भाई, मेरा वो मकसद नहीं है। मेरे से 32,000 रुपए का मोबाइल है, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, और 32,000 रुपए में अगर आपको डिसेंट कैमरा और डिसेंट परफॉर्मेंस है, सिर्फ एक बतिया के लिए आप पैसा देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हो, आपका ओपिनियन है। और मुझे भी कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन पसंद है, मैं स्मार्टफोन के खिलाफ नहीं है। अगर आपका बजट का इशू नहीं है तो आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन को ले सकते हो, लेकिन मेरा काम ये है कि आपको बजट रेंज में एक बढ़िया मोबाइल दिलाने का जिम्मेदारी होता है। ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई भी फोन जो है जब बहुत ज्यादा हाइप हो रहा तो वो फोन मैं आपको रिकमेंड करता हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप बिल्कुल ये स्मार्टफोन को ले सकते हो, नहीं ले सकते हो ये आपके ऊपर ही है। मुझे क्या फील हुआ, मेरा क्या थॉट्स था मोबाइल लेने से पहले, वो मैंने आप तक शेयर किया। बाकी मैं मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में मेरे भाई, तब तक अपना ख्याल जरूर रखिए।